जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पुंछ में 14 और सबसे कम श्रीनगर में 5% वोटिंग हुई। बच्चे जो है वो भी मुलाजम लगने चाहिए, कारोबार लगना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छी गवर्नमेंट है, किसी की आय पर लेकिन अच्छी गवर्नमेंट है। बाहर के आदमी कर रहे हैं हुकूमत, अब तो यहाँ के अपने आदमी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह रहमान हो जाए, काम भी हो जाएगा। देखो हम बदलाव की नज़र से इसको देखते हैं, हम चाहते हैं हमारे लोग जेल में ना रहे, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अब फिर से गोलियों का शिकार ना हो, हम चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो। जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष और नौशेरा से चुनाव लड़ रहे रविंद्र रैना ने मतदान किया और प्रदेश में भाजपा सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इस्तेसाल किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दैनिक भास्कर से बातचीत में लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी ने भी जीत का दम भरा है। हम बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, गांधरबल है, बड़गाम है, यहाँ जितने भी सीट है ये हम कम्फर्टेबली जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से वोट डालने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा सभी वोटर्स वोट जरूर दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस बार जो बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में हैं उसमें पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला हैं और बीजेपी के रविंद्र रैना भी इस बार चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस के भी यहां पे जो एक बड़े नेता है तारिक कारा वो भी इस बार चुनावी मैदान में। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा की 90 सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर 61% मतदान हुआ था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।